हमने कहा ना, सबका डीएनए सियासी है। इसी कड़ी में आगे आइए, जिस गोमती रिवर फ्रंट की तस्वीरें दिखाकर अखिलेश यादव ने नारा दिया था, काम बोलता है। जिस गोमती रिवर फ्रंट पर वो अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं थे, उसी गोमती रिवर फ्रंट को बनाने में भ्रष्टाचार का भयानक मामला सामने आ गया है। अब सीबीआई यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर रही है और विपक्ष कह रहा है कि इस छापेमारी का डीएनए सियासी है। लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट, जिसे अखिलेश अपनी बड़ी उपलब्धि बताते नहीं थकते। जिस रिवर फ्रंट की चमक को अखिलेश यूपी के विकास के पैमाने की तरफ प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसी गोमती के किनारे की सजावट में करप्शन का ऐसा बंदरबांट का आरोप लगा कि मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया। शुक्रवार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में नई एफआईआर दर्ज की और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा समेत यूपी के 42 शहरों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और दस्तावेज खंगाल कर जानने की कोशिश की कि करप्शन के इस खेल में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। सीबीआई की नई एफआईआर में कुल 189 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ बड़े ठेकेदारों के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि घोटालों के इस खेल के लिए हर नियम को ताक पर रख दिया गया। लगातार सीबीआई की टीम रिवर फ्रंट घोटाले में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रिशु कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस कंपनी को नियमों को दरकिनार करते हुए, जो नियम बनाए गए थे रिवर फ्रंट के निर्माण में, उसको दरकिनार करते हुए इसको ठेका दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस पूरे रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई थी। बिना टेंडरिंग कराए ही कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया और उसका नतीजा था कि पूरे प्रोजेक्ट का करीब 90% बजट खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट 40% भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ, तब इस प्रोजेक्ट की लागत 1,513 करोड़ रुपए थी, लेकिन 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट का 40% काम ही पूरा हो सका। 2017 में योगी सत्ता में आए तो सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू कर दी और अब सीबीआई इस घोटाले की कड़ियां जोड़ने के लिए फिर से एक्शन में है। घोटाले की जांच की जद में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई का नाम भी आया है। गोरखपुर में सीबीआई की टीम ने उनके घर भी कागजात खंगाले। सीबीआई के अधिकारी अभी इस छापेमारी को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यूपी के चुनावी माहौल में सीबीआई के इस एक्शन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। हवत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो, आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो, कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो, तो आप चाहते क्यों हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मैं सरकार गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो, मतलब चोरी भी और सीना चोरी भी। बीजेपी के विरोधी भी सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से ही देख रहे हैं और इसी बहाने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रहे हैं। सीबीआई क्यों नहीं मंदिर वाले पे जांच करती है? सीबीआई क्यों नहीं जांच करती है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? मर्द अगर है बीजेपी के लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला निकाल दें, 68,500 का करा दें, बादा में कृषि विभाग में 13 में 11 ठाकुर का हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दें, ये खाली डेरवा के वोट लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब योगी ने गोमती रिवर फ्रंट वाले मामले में जांच के आदेश दिए थे, उस पर खूब सियासी हल्ला हुआ था और अब चुनाव से पहले इन छापेमारी पर नया संग्राम छिड़ना तय है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।